हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आपको फिर भी मेरा पहला व्लॉग अच्छा लगा हो, नहीं दूसरा व्लॉग। तो आज की रूटीन कुछ ऐसी है कि आज मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना है, तो अभी हम पहले आपसे कुछ खाने को बना के देंगे। इट्स 2:25 PM। तो अभी मैं बस मेल गई थी, तो अभी सोच रही थी इसको कुछ स्नैक्स वगैरह बना के दूँ। अभी हम सबसे पहले 2 पोटैटोज़ ले रहे हैं मीडियम साइज के, उनको पील ऑफ कर लेना है पहले। पहले नहीं आता ना, किचन में भी काम करना ना एक आर्ट है, स्पेशली और अच्छा खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इसे भी ले लिया। मैं कोई चीज़ पे नहीं रखती कि वीडियोस में क्या घर की ब्लॉगिंग करनी है, उसमें क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए क्या नहीं, मतलब बंदा सेटअप भी बनाता नहीं। अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है ना, यूट्यूब से अर्निंग करके उन्होंने इतने अच्छे महल बना लिए, बल्कि घर भी मैं उनको कहूँगी। तो अब ठीक है, और इसको इतनी देर तक आलू को बॉईल करना, आपने बीच में चेक कर लेना बस 5 से 10 मिनट, इतना कि बस ये जो है ना हल्के से नरम हो जाए, पानी के अंदर अच्छी तरह जाए, क्योंकि आलू जो छीले हुए होते हैं उनमें बड़ी जल्दी पानी जो है ना अब्सॉर्ब होता है। तो हमने कोई वो लेवी टाइप के जो है ना वो नहीं बनाना। आलू हो गए हमारे बॉयल, अब इनको जो है ना क्या करना है, मैश करना। ठीक है, मेरे पास पोटैटो मैशर नहीं था, इस जस्ट सिंपल वे, आप कोई भी स्टील का शीशे का कोई भी ब्लॉक दे सकते हैं ऐसे, तो ज़्यादा अच्छी तरह आपने करना, इस तरह से मैश कर लेना। अब मुझे स्पून पोटैटो हमारे मैश, ठीक है। सॉल्ट है बाद में, मैं ना हल्का हाथ ही रखती हूँ, मेरा जो ना सॉल्ट में आधा रहा तेज़ है, इधर भी रात ही नमक तेज़ हो जाता है। इसके बाद ब्लैक पेपर, चिली अपने मुताबिक आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कितनी ही डालनी है जितनी आपको सूट आपके बच्चे खाते हैं। ठीक है, एक रस चिली, ये ज़्यादा ये चाइनीज़ वाला लुक आ जाता है, इससे जो है ना ज़रा फ्लेवर और हो जाता है क्रश चिली से, इसलिए मैं ये हर खाने में लास्ट में डालती हूँ कि अगर कुछ हो सही। इसके बाद जो है ना इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना। अच्छा एक चीज़ और, ये धनिया मैंने काटा था ना ऐसा, हाँ ठीक है, आपको मैं चेंज कर दी धनिया जो है इसका फ्लेवर आ जाए। नहीं बस ठीक है, नमक तेज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप बताती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ला लेते हैं इसको, कोई भी लम्स नहीं आना चाहिए, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सर्कल बनाया, आप जितनी खूबसूरती से बच्चों को खाना प्रेजेंट करेंगे उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डला भी जो वो नहीं खाते लेकिन वो खा लेंगे, क्यों, खूबसूरती बच्चों को अट्रैक्ट करती है। बहुत सारा खाना जो है ना बिल्कुल फीका हो बच्चों को बस अट्रैक्ट करता है कि ये अच्छा बना हमने खाना, लो अब मेरे साथ ही आना। कॉर्न फ्लोर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है ना आलू अच्छी तरह
कंसिस्टेंसी हो जाए उसको भी ना जब हम कुक करें, और जो अगर मेरे आलू खुल गए ना तो आलू खुल। मैंने ऑयल को कर लिया था गरम प्री हीट पे। चलो अब इसे जल्दी करो, चलें फिर जाना।